नमस्कार, स्वागत है आपका डेली डायरी न्यूज में। कौन होगा 2019 का 20? आपको बता दें कि मिशन 2019 को फतेह करने के लिए तमाम सियासी दल अपनी पूरी ताकत झोंक रहे हैं, लेकिन बीजेपी के लिए खुद उसके मंत्री और नेता ही मुसीबतें खड़ी करने में कोई कोर कसर बाकी नहीं छोड़ रहे। लिहाजा आपको बता दें कि इस साल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने नेताओं को नसीहत दी थी कि वो ऐसे बोल ना बोले जिस पर व्यर्थ का बवाल हो, लेकिन जो भी बोले सोच समझ के बोले और बेवजह के विवाद में ना पड़े। इससे पहले भी 2016 और 2017 में भी मोदी ऐसी नसीहत दे चुके थे। हालांकि हिदायतें पार्टी के नेताओं पर बेअसर रही हैं। यूपी से पार्टी के विधायक ने भगवान राम भी आ जाएं तो भी अब बलात्कार रुकने वाले नहीं हैं का ऐलान कर इन दिनों विपक्ष को हमलावर होने के मौके भी दे दिए हैं। वहीं दो दो केंद्रीय मंत्रियों ने दंगाइयों के साथ खड़े होने के पक्ष में बयान देकर सरकार को बैकफुट पर धकेल दिया है और यूपी के एक मंत्री ने मदरसों में ड्रेस कोड लागू करने का बयान देकर सरकार को ऐसा फंसाया कि पीएमओ को इस बात का खंडन करना पड़ गया। गुजरात विधानसभा के स्पीकर राजेंद्र त्रिपाठी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को ब्राह्मण और कृष्ण को ओबीसी बताकर विवाद खड़ा कर चुके हैं और त्रिपुरा के सीएम विप्लव देव तो खुद ही विवादों को न्योता देते रहे हैं। तो कहीं ना कहीं मोदी की जो नसीहत है उसको लगातार दरकिनार करते हुए नजर आ रहे हैं बीजेपी के मंत्री और नेता, और ये कितनी मुसीबतें बढ़ा सकता है ये देखना खासा दिलचस्प होगा जब 2019 का चुनाव होगा और जब 2019 का परिणाम हम सबके सामने होगा। डेली डायरी की रिपोर्ट।